Hello guys, welcome to the new video. I hope you are healthy and doing well. So, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बॉडी पोस्चर के बारे में. बॉडी पोस्चर के बारे में क्या है, आपने देखा रहेगा कि और हमारे फ्रेंड्स बहुत लोग ऐसे वॉक करते हैं, शोल्डर उनका आगे की तरफ रहता है, गर्दन आगे की तरफ रहता है, वो बेंड रहते हैं. सो दे वॉक लाइक दिस. कॉलेज या स्कूल के बैग उठाते उठाते उनका बॉडी पोस्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है, फिर उनका बॉडी पोस्चर आगे चल के कुछ इसी तरीके से ही रहता है. तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है और पूरी बॉडी झुकी हुई रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना बॉडी पोस्चर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस बॉडी फॉर्म को हम अपने इस फॉर्म से इस फॉर्म तक कैसे लेके आ सकते हैं, हम इस हैबिट को कैसे ला सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले एक्सरसाइज करने के लिए हमको एक टेबल या आपके पास कोई बॉक्स हो या सोफा और बेड और भी ऐसी कुछ चीज़ जिसपे आप सपोर्ट ले सकते हो. सो हमें फर्स्ट ऐसी चीज़ की ज़रूरत है. सो अगर आपके पास है तो आप इसको लेके एक्सरसाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी चीज़ का भी सपोर्ट ले सकते हो जो भी एज अ टेबल आपका काम करे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हमको जस्ट पहले बैठना है अपने नीचे ऊपर, देन आपका एल्बो टेबल पे या बॉक्स पे या बेड पे, एनीथिंग जो भी आप यूज करें उस पर रखना है, उस पर रखिए. उसके बाद नीचे की तरफ बेंड होना है लाइक रिमेम्बर आपको स्पाइन जो आपका स्पाइनल है बैकबोन है उसको बेंड नहीं करना है. यू डोंट हैव टू बेंड योर बैकबोन. आपको शोल्डर को स्ट्रेच करना है और अपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ, बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है अंदर की तरफ, शोल्डर को पूरा एकदम स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ और सेम ओके इस तरीके से. अप डाउन डाउन ये एक्सरसाइज करने का टाइम. रिमेंबर डोंट बेंड योर बैकबोन, होल्ड करो थोड़ी देर, बॉडी को फील करो आपके बैक आपके बैक साइड में ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट महसूस हो और थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, लाइक बोन्स फूट क्रैक होते हैं. सो ये एक्सरसाइज आप डेली परफॉर्म करें 10 रेपिटेशन के साथ, एक सेट में 10 रेपिटेशन मारें. अगर आप एक सेट से स्टार्ट करते हैं रोज एक सेट करना, तो आपके बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएगा. ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ. इसका सेकंड एक्सरसाइज भी है यही. आपको टेबल को साइड में रखना है. अब जस्ट आप फ्लोर में बैठ जाइए, अपने पाम को बॉडी के फॉरवर्ड डायरेक्शन से 45 डिग्री आउटसाइड रखिए ओके. चेस्ट आउट रखिए और अपने टो को बॉडी से दूर रखिए एंड लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए. सो इससे आपका आप नोटिस करोगे, इससे आपका पूरा बाइसेप्स पूरा बैक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऊपर की तरफ, चेस्ट पूरा स्ट्रेच होगा. सेम है बस उल्टे डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आपका हाथ बाइसेप्स पूरा स्ट्रेच होता है ताकि आप आपका शोल्डर पूरा स्ट्रेच होता है ताकि आप आगे की तरफ बेंड ना रहें. स्ट्रेच आउट, होल्ड फॉर सेवरल सेकंड्स, गो डाउन देन अप, होल्ड, गो डाउन अगेन, गो अप, होल्ड, गो डाउन. So perform this exercise on a daily basis with 10 repetition. फिर आप खुद ही अपने बॉडी में आप जो आपका पोस्चर है वो डिफरेंट होता हुआ पाएंगे. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.